जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने 90 प्लस यूट्यूब चैनल पर। मेरे इस वीडियो को देखने से पहले मेरे पिछले तीन वीडियो को जरूर देखिएगा, यानी पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री को, उसके बाद ही जो है मेरे इस वीडियो को देखिएगा, अन्यथा आपको यह मेरा वीडियो समझ में नहीं आएगा। मैंने अपने पिछले वीडियो में यानी पार्ट थ्री में आपसे कुछ प्रश्न पूछा था। मैं आशा करता हूँ कि उनके हल जो है यानी आंसर जो है आपके पास होंगे और आप बड़े ही उत्सुक होंगे कि उनके आंसर जो है सही है या नहीं है उसे जानने के लिए। तो मैं उन्हीं आंसरों को अपने इस वीडियो में बताऊंगा और साथ ही साथ जो संख्याएं अभी बची हुई हैं उन संख्याओं के बारे में भी बताने वाला हूं। और मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरा मनोबल जो है और बढ़े और मैं आपके लिए और मेहनत कर सकूं। तो चलिए बिना बात को आगे बढ़ाए हुए हम अपने संख्याओं पर चलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अभी तक हमने प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, इनके बारे में पढ़ लिया है। और मैंने अपने पिछले वीडियो में आपसे रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स के बारे में पूछा था, यानी इस इनसे ही संबंधित सवाल आपको दिए थे जो नीचे संख्याएं दिए गई हैं, -14, 2/5। तो इन्हीं संख्याओं में से मैंने आपसे ये पूछा था कि कौन सा जो है इसमें रेशनल है और कौन सा इरेशनल है। तो चलिए अब मैं उनके आंसर बताता हूँ ताकि आप अपने आंसर से मैच कर लें। यदि आपके आंसर दोनों, आपके आंसर और मेरे आंसर अगर मैच होते हैं तो इसका अर्थ ये है कि आपने सही से समझ लिया है परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को, यानी रेशनल और इरेशनल नंबर्स को। ठीक है, यदि आपका गलत होता है तो कोई बात नहीं, आप मेरे पिछले वीडियो को देखिए और देखने के साथ ही जो है उसे ध्यान से समझ लीजिएगा। तो जिसमें मैं रेड सर्कल करने वाला हूँ, ठीक है, वो संख्या जो है वो परिमेय संख्या होगा यानी रेशनल नंबर होगा। याद रखिएगा, जिसपे मैं रेड सर्कल करूँगा वो हमारा रेशनल नंबर होगा यानी परिमेय संख्या होगा, और जिस पर सर्कल नहीं हुआ रहेगा उसको आप जो है अपरिमेय मानिएगा। क्या मानिएगा? अपरिमेय यानी इरेशनल नंबर मानिएगा। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूँ सर्कल करना। ध्यान से देखिएगा, -14, 2/5, ध्यान से देखते रहिएगा। मैं फिर से बता देता हूँ, जिस पे मैं रेड सर्कल कर रहा हूँ वो रेशनल नंबर है यानी परिमेय संख्या है। ये गोला पूरा है, ठीक है, जो ये अंडर रूट 676 है, ठीक है। 676 जो है इसका वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट जो होता है वो 26 होता है। और मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिया था कि जिसका वर्गमूल निकल जाता है यानी जिसका स्क्वायर रूट निकल जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाँ, परिमेय संख्या कहते हैं यानी रेशनल नंबर कहते हैं। और जिसका वर्गमूल यानी जिसका स्क्वायर रूट पॉइंट में आता है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या कहेंगे, ठीक है। तो अभी तक जो है मैंने जिस पे लाल गोला किया है वे सभी संख्याएं जो हैं क्या है मेरे प्यारे बच्चों, परिमेय संख्या है यानी रेशनल नंबर है। क्या मेरे प्यारे बच्चों? रेशनल नंबर, याद रखना। अब जिन संख्याओं पे मैंने गोला नहीं किया है, जिन संख्याओं पे मैंने गोला नहीं किया है, ठीक है, जिन संख्याओं पे मैंने गोला नहीं किया है वे सभी के सभी जो है कौन सी संख्याएं थी मेरे प्यारे बच्चों? हाँ, आपने सही बोला, वो सभी के सभी अपरिमेय संख्याएं थी। यानी मैं आशा करता हूँ कि आपने सभी संख्याओं को देख लिया होगा अब और अपने आंसर्स को जो है वो मैच कर लिया होगा। तो चलिए अब मैं अपने अगली संख्याओं की ओर चलता हूँ, यानी मेरा अगली संख्या कौन सी है मेरे प्यारे बच्चों? वास्तविक संख्या है। यदि आपने परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को ध्यान से नहीं समझा है तो मैं फिर से आपको कहता हूँ कि उसको ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद ही जो है आप वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स को समझ पाएंगे, अन्यथा आप उसको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, आपको वो समझ में नहीं आने वाला। तो देखिए मैं आपको इस अब वास्तविक संख्या के बारे में बताने वाला हूँ। अभी मैंने परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से जो आपको सवाल किया था
उनके आंसर्स आपको मैंने बता दिया है, और मैंने साथ साथ ये भी कह दिया जिस पे मैंने लाल गोला किया था वो परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर है, और जिस पे लाल गोला नहीं किया था वो हमारा इरेशनल नंबर है। अब हम चलते हैं वास्तविक संख्या की ओर। यदि मैंने आपको एक थैला दिया और उस थैले में कहा कि यहाँ जो भी संख्याएं लिखी हुई है यानी -14, 2/5, 3.4, 3.7, 2.8 और भी आगे जो भी संख्या लिखी हुई है, अगर यहाँ परिमेय और अपरिमेय संख्या है तो उस थैले में भर दीजिए। तो आप कहेंगे कि यहाँ तो सब जो है परिमेय या तो अपरिमेय है, यानी या तो रेशनल है या तो इरेशनल है। तो आप क्या करेंगे, उस थैले में जो है सभी संख्याओं को भर देंगे, यानी उस थैले में सभी संख्याओं को भर देंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा, फिर जो है उस थैले को जो है हम लोग रियल नंबर्स कहेंगे, यानी वास्तविक संख्या कहेंगे, यानी वास्तविक संख्याओं में यानी रियल नंबर्स में ही, रियल नंबर्स में आपको जो संख्याएं मिलेंगी वो या तो परिमेय होगा या तो अपरिमेय होगा। ठीक है, अब इसको हम लोग एक परिभाषा के तौर पर इस तरीके से कह सकते हैं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का, यानी परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह जो है वो वास्तविक संख्या कहलाता है, यानी कलेक्शन ऑफ रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। ठीक है, तो आप मेरे इस कथन को जो मैंने अभी स्टेटमेंट कहा है उसको आप दोबारा सुन लीजिएगा, लेकिन रियल नंबर्स के बारे में सही से समझ लीजिएगा। रियल नंबर्स में आपको सिर्फ रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर ही मिलते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको रियल नंबर्स समझ में आ गया होगा, यानी वास्तविक संख्या समझ में आ गया होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं अपने अगली संख्या की ओर चलता हूँ, सम संख्या और विषम संख्या। ठीक है, सम संख्या और विषम संख्या के बारे में यानी आप जानते होंगे, यानी इवन नंबर्स और ओड नंबर्स के बारे में। नहीं भी जानते तो कोई बात नहीं, आप इसे सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपके सामने मैं कुछ संख्या रख रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, 2 हो गया, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और एटसेट्रा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलता है कि जो भी संख्या मैंने यहाँ रखा है वे सभी की सभी संख्या जो है 2 से विभाजित हो जाती है, यानी 2 से डिविजिबल है। ठीक है, यानी ये 2 से कट जा रही है, यदि हम भाग देंगे तो हमारा शेष 2 से, अगर इन संख्याओं को भाग देंगे तो हमारा शेषफल जो है यानी रिमाइंडर जो है वो क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, हाँ 0 आएगा। ठीक है, तो सीधा सा कहने का मतलब ये है कि जो भी संख्या यदि 2 से कट जाता है या मतलब विभाजित हो जाता है या डिविजिबल है तो उसको हम जो है वैसी संख्याओं को हम इवन नंबर्स यानी सम संख्या कहेंगे। ठीक है, अब इसका ऑपोजिट ले लीजिए, जो संख्या 2 से नहीं कटता है, जो संख्या मेरे प्यारे बच्चों 2 से नहीं कटता है, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया और फिर एटसेट्रा। ठीक है, आप यहाँ पे देखेंगे जो भी संख्या आपके सामने रखा हुआ है ये सभी की सभी जो है 2 से विभाजित नहीं होगी, यानी 2 से डिविजिबल नहीं है, यानी शेष जो है यानी रिमाइंडर जो है वो कुछ ना कुछ बचेगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे ये देख सकते हैं कि ये सभी की सभी संख्या 2 से विभाजित नहीं होती है, तो इसलिए जो भी संख्या जो 2 से नहीं कटती है वे सभी की सभी संख्या मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, विषम संख्या यानी ओड नंबर्स। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको इवन नंबर्स और ओड नंबर समझ में आ गया होगा। अब मेरे प्यारे बच्चों हम अपनी अगली संख्या की ओर चलते हैं। अगली संख्या जो है भाज्य संख्याएं हैं यानी कंपोजिट नंबर्स हैं। थोड़ा ध्यान से सुनेगा, समझ में आएगा जब भी जब आप इसको ध्यान से सुनेगा, क्योंकि भाज्य और अभाज्य और असभाज्य ये थोड़े पेचीदे हैं, इसको सुनने के साथ जो है आप लिखिए भी ताकि आपको समझ में बढ़िया से आए। ठीक है, तो फिलहाल जो है मैं आपको भाज्य संख्या के बारे में बताने वाला हूँ यानी कंपोजिट नंबर्स के बारे में बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपके सामने जो है कुछ भाज्य संख्याओं के एग्जाम्पल रखता हूँ, जैसे कि 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18,
ट्वेंटी एटसेट्रा। ठीक है, यहाँ जो भी संख्या आपको दिख रहा है, जो भी संख्या आपको दिख रहा है, इन संख्याओं पे जरा आप विचार कीजिए, और विचार करने के बाद आपके दिमाग में क्या आ रहा है आप मुझे बताइएगा जरूर अपने कमेंट बॉक्स में। ठीक है, लेकिन जो मेरे अनुसार जो है, जो भार संख्या कहता है, मैं उसको पहले आपको बता देता हूँ। एक मैं यहाँ से संख्या उठाता हूँ, जैसे कि मैंने चार ले लिया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, चार ले लिया। यदि मैं आपसे पूछूं चार जो है किसके किसके पहाड़े में आता है, ठीक है, चार जो है किसके किसके पहाड़े में आता है, तो आप फट से कहिएगा एक के पहाड़े में, दो के पहाड़े में और खुद के पहाड़े में। ठीक है, अगर इसको थोड़ा टेढ़ा लिया जाए, कहने का मतलब चार जो है किससे किससे, किन किन संख्याओं से जो है ये कट जाएगा, किन किन संख्याओं से विभाजित हो जाएगा या किन किन संख्याओं से डिविजिबल हो जाएगा, तो आप कहेंगे एक से कट जाएगा, दो से कट जाएगा, चार से कट जाएगा। अब मैं इसको परिभाषा के तौर पर कहना चाहूंगा कि जो भी संख्या एक से कट जाए या दूसरों से कट जाए या खुद से कट जाए, खुद से कट जाए, तो वैसी संख्या जो है वो भार संख्या कहलाती है, यानी कंपोजिट नंबर कहलाता है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं कि चार जो है वो एक से भी कट सकता है, दूसरी संख्याओं से भी कट सकता है और खुद से भी कट सकता है। अब मैं दूसरा एग्जाम्पल लेता हूँ ताकि आपको और बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। जैसे कि मैंने यहाँ पर 15 ले लिया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये एक से भी कट जाएगा, तीन से भी कट जाएगा, पांच से भी कट जाएगा और खुद से भी कट जाएगा। कट जाएगा ना मेरे प्यारे बच्चों? हाँ, जरूर कटेगा। तो मैंने क्या कहा था कि एक से कट जाए, दूसरी संख्याओं से कट जाए और स्वयं से भी कट जाए, तो वैसी संख्या क्या कहलाती है मेरे प्यारे बच्चों? भाज संख्या कहलाती है, यानी कॉम्पोजिट नंबर कहलाता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको भाज संख्या जो है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अपनी अगली संख्या को देखते हैं। अगली संख्या जो है वो हमारा अभाज्य संख्या है, यानी प्राइम नंबर्स है। ठीक है, अब प्राइम नंबर्स के बारे में जानते हैं। जैसे हमने भाज्य संख्या के बारे में जाना था, वैसे ही जो है अब हम अभाज्य संख्याओं के बारे में जानेंगे। आपके सामने मैं पहले कुछ एग्जाम्पल रखता हूँ और आप उस पर विचार कीजिए। 2, 3, 5, 7 11, 13, 17, 19 और फिर एटसेट्रा। ठीक है, आपके सामने जो भी संख्या रखी हुई है, जो भी संख्या रखी हुई है, इन संख्याओं पे आप अपना विचार जो है मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिलहाल जो है अभाज्य संख्याओं से जो जुड़ा हुआ विचार है, जो उसका परिभाषा है, मैं आपको उसको बता देता हूँ। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। ठीक है, तो इनमें से मैं एक संख्या उठाता हूँ, जैसे कि 3 ले लिया मैंने। गौर कीजिएगा, अब मैं आपको कहूँगा कि 3 जो है किन किन संख्याओं से कट जाएगा, तो आप मुझे तुरंत कहिएगा एक से या खुद से। ठीक है, 3 ले लिया। अब उसी प्रकार से मैं यहाँ पे 11 ले लेता हूँ। अब मैं आपसे पूछूंगा कि ये किन किन संख्याओं से कट जाएगा, तो आप फट से कहिएगा एक से या तो स्वयं से, या तो मतलब खुद से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि वैसी संख्या, मतलब ऐसी संख्या जो कि एक से कट जा रहा है, एक से कट जा रहा है यानी विभाजित हो जा रहा है, यानी डिविजिबल है। ठीक है, या स्वयं से कट जा रहा है, दूसरी संख्याओं से नहीं कट रहा है, तो वैसी संख्याओं को हम जो है क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? हाँ, अभाज्य संख्या कहेंगे। ठीक है, मतलब कि जो भी संख्या या तो एक से कट जाए या तो स्वयं से कट जाए, तो वैसे संख्या को क्या कहेंगे? हाँ, अभाज्य संख्या। क्या कहेंगे मेरे प्यारे बच्चों? हाँ, अभाज्य संख्या कहेंगे, यानी प्राइम नंबर्स कहेंगे। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरे इस वीडियो को जो है दोबारा देखिए, लेकिन समझिए सही से। भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सहअभाज्य संख्या, ये तीनों संख्या थोड़े पेचीदे हैं, इनको समझने का प्रयास कीजिएगा।
अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बोलिएगा, मैं अपने अगले वीडियो में दोबारा इसको समझा दूंगा, ठीक है। अब हम अपनी अगली संख्या की ओर चलते हैं जो कि हमारा अंतिम संख्या है। एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस पार्ट में जो है मेरे सभी संख्या जो है वो कट गए हैं, ठीक है। इस पार्ट में मेरे सारे जो भी सभी संख्या हैं वो सारे के सारे हो गए हैं। अब मैं अगले पार्ट में जब आऊँगा, अगला पार्ट जब मैं बनाऊँगा वीडियो, तो उस पार्ट में आपके किताब में जो भी प्रश्न होंगे उन प्रश्नों के हलों को जो है आपके सामने रखूँगा, ठीक है। तो अब मैं आपको असहभाज्य संख्या यानी को प्राइम नंबर्स बताने वाला हूँ। अब मेरा जो अगला पार्ट आएगा वो आपकी किताब से जुड़े होंगे, यानी किताब में जो आपके प्रश्न होंगे उन प्रश्नों के हलों को मैं आपके बताऊंगा, यानी आंसर्स बताऊंगा। आप देख सकते हैं कि को प्राइम नंबर्स आपको मैं बताने वाला हूं, और मैं आशा करता हूं कि आप सभी को जो है HCF आता होगा, जरूर आता होगा, ठीक है। आप ऐसा कीजिए कि 2 और 3 का HCF निकाल के दीजिए, और मुझे 3 और 5 का भी HCF निकाल के दीजिए, जल्दी कीजिए। कर लिए, आप कीजिए कीजिए, आराम से कीजिए। मैं आशा करता हूं कि आप सभी ने जो है 2 और 3 और 3 और 5 का HCF निकाल लिया होगा। HCF निकालने के बाद जो आपका HCF आया होगा, मतलब कि 2 और 3 का HCF जो आया होगा या 3 और 5 का जो HCF आया होगा वो 1 आया है। क्या आया मेरे प्यारे बच्चों? 1 आया है, ठीक है। तो याद रखना, जिन संख्याओं का HCF जो है, याद रखना, जिन संख्याओं का HCF जो है यदि 1 आता है तो वैसे संख्याओं को जो है हम लोग क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? हाँ, सहभाज्य संख्याएं कहते हैं। यानी क्या कहते हैं? सहभाज्य संख्या यानी असहभाज्य संख्या, ठीक है। थोड़ा ध्यान सुन लीजिएगा, यानी को प्राइम नंबर्स आपको समझ में आ गया होगा, यानी असहभाज्य संख्या। तो अगर मैं एग्जांपल लिखना चाहूंगा तो एग्जांपल के तौर पर क्या है, 2 और 3, 3 और 5, 5 और 7, उसके बाद हम एटसेट्रा। आप इन सभी संख्याओं को देख सकते हैं, इन संख्याओं का जो HCF होगा वो मेरे प्यारे बच्चों 1 होगा, ठीक है। और मैंने आपको कह दिया है कि जिन संख्याओं का HCF जो है यदि 1 हो तो वैसे संख्याओं को हम असहभाज्य संख्याएं कहते हैं, यानी को प्राइम नंबर्स कहते हैं, ठीक है। मैंने अभी तक आपको जो है सभी संख्याओं के बारे में बता दिया है। यदि मुझसे कुछ गलती हो रही है तो उन गलतियों को सामने रखिए ताकि मैं अपने अगले वीडियो में जो है सुधार लूंगा, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आपको सभी संख्याएं जो है समझ में आ गई होंगी। एक बात का भी ख्याल रखिएगा कि गलतियां मुझसे भी हो सकती है, ठीक है, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, ठीक है। तो चलिए अब मैं अपने अगले वीडियो में मिलता हूँ, वो भी आपकी किताब के जो प्रश्न हैं उनके हलों के साथ में। तो जय हिंद, जय भारत।